जय शंकर दोस्तों, दिस इज सुधांशु फ्रॉम पहाड़ी गैंग। सो आज मैं आया हूँ गुरु देवता के मंदिर घोड़ाखाल, जो कि हमारे पहाड़ियों के इष्ट देवता होते हैं। यहाँ पे मार्केट जो लगी रहती है, यहाँ पे पूजा का सामान वगैरह मिलता है, वो यहाँ पे है। और यहाँ से है एंट्री, और उधर साइड से भी एंट्री, दो एंट्री है। एक उधर साइड से जहाँ से जैसे आप घोड़ाखाल मंदिर में एंटर होते हैं, वहाँ से भी एंट्री, और एक यहाँ से भी है। यहाँ से एग्जिट भी है, लोग वहाँ से आके यहाँ से निकल जाते हैं, बट कोई अगर यहाँ पे अगर रुक रहा है तो वो यहाँ से भी जाते हैं। और यहाँ पर कई भैया लोग आए हैं और वो ले रहे हैं भी सामान, पूजा की थाली वगैरह ये सब। और यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी, आप प्रॉपर पूरी गाड़ी आती है यहाँ पर तक, आप गाड़ी किनारे पे लगा सकते हैं। पार्किंग है, पर्ची कटती है आपकी, आई गेस पर्ची 50 रुपये की होगी शायद। तो अभी हम चलते हैं, सामान लेते हैं और मैं आपको कुल देवता के दर्शन कराता हूँ। तब तक ले जय शंकर। थैंक यू, वेलकम। सो गाइज, ये है यहाँ का गेट गुरु देवता के मंदिर का, जो मैं आपको बता रहा था। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भीड़ देखते हैं अंदर जाके कैसी है। अभी यहाँ पर तो दिख नहीं रही, भीड़ होगी करके अंदर। लेट्स सी, गो इनसाइड, तो पता चलेगा सिचुएशन क्या है। और हमारे साथ है हमारे सौरभ भैया, जिनको आपने पूर्णागिरी वाली मंदिर की वीडियो में देखा है। एक्चुअली ही इज नॉट इन्वॉल्व इन सोशल मीडिया, सो दैट्स व्हाई इज नॉट कमिंग ऑन माय वीडियो। हर हर महादेव। सो गाइस, थोड़ी सीढ़ियां ज्यादा नहीं, जो प्रसाद छीन ले जाते हाथ से, तो यहाँ पे उतरेंगे अभी हम शूज और चलते हैं। मंदिर आ गया, अंदर चलते हैं और अंदर से देख सकते हैं, व्यू काफी अच्छा आ रहा है। भाई जूते उतार लिए, इधर के अंदर एंट्री हो चुकी है हमारी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पीछे देख सकते हैं, और यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है, लाइन लगी हुई है। आई डोंट नो कब आएगा नंबर, बट हम भी लाइन में लगेंगे। जय गोलू देवता। ये देख सकते हैं आप लाइन यहाँ पे, बस फटाफट हम लाइन पे खड़े हो जाते हैं। पहले तो ये लाइन लगी हुई है, फिर ऐसे घूमते हुए ये अंदर भी लाइन लगी हुई है। आ जाएगा नंबर, आई गेस 10-15 मिनट लगेंगे, बिकॉज ज़्यादा देर वहाँ पे रुकने नहीं देते हैं। बस दर्शन करो, प्रसाद चढ़ाओ और भेज देते हैं। तो भाई झुक के जाना पड़ रहा है, तो यहाँ पे लाइन पीछे तो भीड़ थी, अभी कम हो गई है, अभी लास्ट से पीछे हमारी दिख रही होगी आपको। मंदिर की ऊंचाई बहुत ज़्यादा काफ़ी है, अभी मैं बताऊंगा एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं है कितनी ऊंची है। नीचे मैं आपको देख बताऊंगा कितने ऊपर ये मंदिर बना हुआ है, और यहाँ से व्यू बहुत बढ़िया लगता है। मैं अभी आपको मंदिर के दर्शन करा देता हूँ, मेरे गुरु जी के दर्शन करा देता हूँ, देन उसके बाद आपको पूरे मंदिर के दर्शन कराऊँगा, और यहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा है, वो भी दिखाऊँगा। तो स्टे ट्यून्ड। बंदर एक तो प्रसाद आएगा छीन के ले आए होंगे, यहाँ पे बढ़िया करके खा रहा है। कभी आओ तो प्रसाद बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि बंदर ऐसे करके छीन ले जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मजे से खा रहा है। रॉब है भाई, रॉब। देखा गाइस, हमने बंदर के साथ नहीं, रॉब है भाई, रॉब है। अच्छा, हमको सिखा रिया है, उनको पता है ना कोई हिट करेगा नहीं। नीचे सोने हमको सामने दिखे, उनकी बिल्डिंग है। सो गाइस, दर्शन कर लीजिए गुरु देवता। जय गुरु देवता, हर हर महादेव। ये है भैरव मंदिर, यहाँ पे खिचड़ी वगैरह चढ़ाई जाती है, जैसे देख रहे हैं भैरव देव हमारे, और बगल में शनि देव का मंदिर। तो गाइस, जैसे आपने दर्शन कर लिए होंगे गुरु देवता के, और यहाँ पे बहुत सारे भगवानों की मंदिर और है, जैसे आप यहाँ पे सामने देख रहे होंगे बजरंगबली का मंदिर है, जय बजरंगबली। और यहाँ पे है श्री राम भगवान का मंदिर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जय श्री राम, बिल्कुल प्रॉपर। और ये सामने देख सकते हैं, ये धुनी है, इसको धुनी बोलते हैं यहाँ पे, और काफ़ी भीड़ हो रही है यहाँ पे अभी, और मैं आपको आगे की ओर ले चलता हूँ। और यहाँ पे भी एक छोटा सा मंदिर है दुर्गा माता और गोलजू भगवान का, और सामने कृष्ण भगवान का मंदिर है सामने।
दर्शन कर लेते हैं। जय श्री राधे। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, यहाँ पे भी गणेश भगवान का मंदिर है। मैं आपको गणेश जी और गोलजू बैठे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे माँ जगजननी जगदम्बा और गोलजू बैठे हुए हैं। आपने एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, जगह जगह पे ये घंटिया और ये पर्चे लगे हुए हैं। इसकी भी एक, इसके पीछे भी कथा है आई गेस, जो भी पहाड़ से वो लोग जानते होंगे, जो नहीं है उनको मैं बता दूँ कि ये जितने भी पर्चे यहाँ पे लगे रहते हैं घंटियों के साथ, और घंटियाँ बदी रहती है इसमें, यहाँ पे गोलू भगवान से विश मांगी जाती है कि जिनकी भी कोई परेशानी होती है या जो कोई चाहते हैं कि उनके जीवन में ऐसा हो, तो वो यहाँ पे गोलू जी से विश के रूप में यहाँ पे पर्ची या घंटियाँ बांध के जाते हैं। और जब उनकी विश पूरी हो जाती है तो यहाँ पे जो भी उन्होंने मांगा होता है कि अगर मेरी विश होने के बाद मैं ऐसा करूँगा, तो वो चीज़ करते हैं। और ये सत्य बात है कि यहाँ पे जितनी भी पर्चियाँ हैं सबकी मुरादें पूरी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी सारी पर्चियाँ लगी है जगह जगह पे, जितनी भी आपको जगह जगह घंटियाँ दिख रही हैं सब जगह पर्चे या घंटियाँ टंगी होगी। तो इसके पीछे यही है एक रीज़न। और भी गोलू देवता की मान्यता बहुत है उस उत्तराखंड में, जो कि उत्तराखंड वालों के इष्ट देव माने जाते हैं गोलू देवता। इतने काफ़ी कृपा है उस उत्तराखंड पहाड़ियों पे। और यहाँ पे देख सकते हैं बंदर बहुत हैं यहाँ पे, और यहाँ से नीचे का व्यू बहुत अच्छा दिखता है। अभी तो थोड़ा फॉग हो रहा है, अभी आई गेस थोड़ा क्लियर हो रहा है, और आपको आगे की ओर ले चलता हूँ। और यहाँ पे है माँ काली। जय जगजननी जगदम्बा, जय माँ काली। और उसी के बगल में आपको मिल जाएगा काल भैरव भगवान का मंदिर। जय भैरव भगवान। बगल में जस्ट यहाँ पे आपको शनिदेव भगवान का मंदिर मिल जाएगा। जय शनिदेव। और यहाँ पर से इसकी पीछे की कुछ ऐसी लोकेशन है, घोड़ाखाल मंदिर में आपने सुना होगा कि यहाँ पे शादियाँ भी होती है, और यहीं पे यही वही जगह है जहाँ पे शादियाँ होती है, और जो भी यहाँ पे शादी करते हैं उनके गोलू जी यहाँ पे उस शादी के साक्षात विटनेस जो होते हैं वो गोलू जी होते हैं। सो गाइस, ये है कुछ यहाँ की लोकेशन, आप देख सकते हैं बहुत प्यारी सी जगह है, बिल्कुल पीस जगह है। पारी है इतनी अच्छी सुबह सुबह, बहुत अच्छा लग रहा है। लोग भी काफ़ी आ रहे हैं क्योंकि आज संडे भी है, जब हमारे टाइम पे तो उतनी नहीं थी, बट है भीड़। धीरे धीरे करके लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। जरूर आप कभी आओ तो इस उत्तराखंड पे, इस हल्द्वानी साइड पे, इस घोड़ाखाल भवाली साइड पे गोलू देवता के मंदिर जो कि घोड़ाखाल पे स्थित है, वहाँ पे ज़रूर विजिट करना। और इसकी आपको मैं जानकारी अभी दूंगा, अभी नीचे मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि कितनी ऊँचाई पे है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो पे बने रहिए, तक ले जय शंकर। बजरंगबली का मंदिर यहाँ पे भी है। जय बजरंगबली। लिखा हुआ है कलयुग में महाविष्णु के अवतार भगवान श्री कलिक, कलयुग में विष्णु भगवान के अवतार कलिक, उनका यहाँ पे मंदिर है यहाँ पे, और उन्हीं की यहाँ पे आरती लिखी गई है और उनके बारे में बताया गया है। और ये है पहाड़ की धुनी बोलते हैं जिसको। अभी देखिए, अभी भीड़ नहीं थी, अभी लाइन लग गई है यहाँ पे, काफ़ी लाइन लग गई क्योंकि अब टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे भीड़ भी बढ़ रही है, क्योंकि हम आ चुके थे जल्दी। एक रास्ता ये है यहाँ से नीचे को जाता है, हम उधर की साइड से आए थे उधर वाले रास्ते से, और ये रास्ता है यहाँ से नीचे, आप देख रहे होंगे ये नीचे रोड है, यहाँ पे भी गाड़ी खड़ी होती है, और यहाँ से भी एंट्री है यहाँ से मंदिर में आने की, और पीछे साइड से भी है, तो आप कभी आओ तो यहाँ से भी आ सकते हो। तो गाइस, मंदिर के दर्शन जैसे कि आपने भी कर लिए होंगे, गोलू देवता के दर्शन। पीछे अभी काफ़ी भीड़ होने लग गई है क्योंकि हम जल्दी आ गए थे, तो ज़्यादा भीड़ नहीं होती, अभी लोग आ रहे हैं क्योंकि संडे भी है, तो काफ़ी भीड़ हो रही है, तो अभी चलते हैं फटाफट नीचे की ओर को। यहाँ पे थोड़ा फॉग हट चुका है, अभी इससे पहले नहीं था, अभी यहाँ से देख सकते हैं आप थोड़ा व्यू दिख रहा है खुल के, बट अभी भी थोड़ा फॉग लगा है पीछे की साइड पे, तो उतना अच्छे से व्यू नहीं दिख पा रहा है। फिर भी मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ, और ये पीछे लेक दिख रही है। गोलू भगवान के दर्शन हो चुके हैं, अब हम नीचे चल रहे हैं, अभी कहीं रेस्टोरेंट पर रुकेंगे आई गेस, देखते हैं कहाँ पर रुकेंगे। यहाँ की कुछ मार्केट जहाँ पे मंदिरों का सामान मिल जाता है आपको, इजीली अवेलेबल यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी बनाया गया है, फिर ये है यहाँ की शॉप, और यहीं पे गाड़ी वाड़ी पार्किंग हो जाती है, बिल्कुल मंदिर तक पूरी गाड़ी आती है यहाँ पे, जो भी आप बुकिंग करके लाओ या किसी, आई गेस सभी बुकिंग करके अपनी पर्सनल गाड़ी लेके आते हैं मंदिर पे, क्योंकि यहाँ पे मंदिर पे जाना रुकना तो वो उसके लिए टाइम चाहिए होता है, तो आई गेस बुकिंग करके लाएंगे। और मेन चीज़ है कि हम भी आज बुक करा के लाए हैं गाड़ी, अपनी गाड़ी में नहीं आए, पीछे खड़ी है हमारी गाड़ी यहाँ पे, जो कि हम आए हैं वैगनार पे आए हैं। तो अभी हम, अभी का क्या सीन है, अभी कहीं रुकने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? अभी हम चाह पियेंगे और उसके बाद ड्रोन व्रोन उड़ेगा क्या? जरूरी है, ड्रोन तो लाए हैं, पायलट कह रहे हैं कि वो कंपास हिल रहा है, धुंध बड़ी तेज है कह रहे हैं। अच्छा ठीक है गाइस, अभी एक्चुअली यहाँ पे सीन ऐसा हो रहा है कि धुंध भी आप देख सकते हैं पीछे, कब मौसम थोड़ा सही से खुला नहीं है और हवा भी ज़्यादा तेज़ है, तो ड्रोन का ऐसा होता है कि ज़्यादा हवा में वो थोड़ा उसको बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। तो अभी देखते हैं सिचुएशन क्या होती है, और अभी ये डिस्कस कर रहे हैं, फिर देखते हैं अगर उड़ाएंगे तो आपको मैं शॉट दिखाई दूंगा। तो तब तक के लिए वीडियो पे बने रहिए, अब हम मिलते हैं आपको चाय पीने, चलिए दगड़ियों। और हम यहाँ पे चाय पी रहे हैं, और
यह है यहाँ का कुछ व्यू ऐसा। यह खा रहे हैं अभी बन मक्खन और मैंने मंगाए आलू के पराठे। क्या ले क्या ले। So, let's enjoy. भाई जी कहाँ स्कूटी से आ गए तुम? यहाँ पे एक आइलैंड है एक्वेरियम, एक ओवर कर लो राइट। अंदर है गोल्ड फिश और ये यहाँ का कुछ ऐसा व्यू है क्योंकि कुछ लोकेशन ऐसी है। ये था लास्ट पॉइंट, टॉप है यहाँ पे भी, पूरा लेक दिख रहा है भीमताल का सीन है भाई। और उसके बाद लगेंगे हम सीधे रास्ता। 300 ले और ले लो, लैंड करवा दो बस। अली गली और नुक्कड़ उसके चर्चे हैं।